हेलो एंड वेलकम टू द एटीट्यूड अकेडमी। आई एम तुरा वेदर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड असाइनमेंट। तो आज हम देखेंगे कि असाइनमेंट को कैसे तैयार करते हैं, एक हम डिज़ाइन लेंगे, उसको कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए कि कैसे असाइनमेंट एक हम बनाते हैं। हमारे पास ये एक बना हुआ है, इसको हमें बनाना है। ये सेम टू सेम हमें एक नया प्रेजेंटेशन बनाना है, सेम ऐसा जैसा ये ब्राउज़र दिख रहा है हमें, वैसा ही एक हमें नया बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से एक न्यू पेज ले लेते हैं, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करते हैं। सबसे पहला काम होता है पेज सेट करना। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहला काम है आपका कि आपको पेज को सेट करना है। यहाँ से मार्जिन पे जाएंगे, मार्जिन में आपने नैरो मार्जिन या फिर नॉर्मल मार्जिन जो भी आपको रखना है वो आप रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड वाला डॉक्यूमेंट है मेरा, ये जो बना हुआ है, आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं ऐसे कंपैरिजन करने के लिए, जैसे रखते हैं ना सेम वैसे ही ऐसे रख लेते हैं दोनों को एक साथ। एक को इधर रख लेता हूँ, एक को इधर रख लेता हूँ मैं। ठीक है, साथ साथ बनाते रहेंगे इधर। तो यहाँ से शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले एटीट्यूड लिखना है मुझे, तो एटीट्यूड हम वहाँ से लिखेंगे, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट वर्ड आर्ट से सिंपल वाला ले लेंगे एटीट्यूड। ठीक है, सारा कैपिटल में लिखना है, तो शिफ्ट का साथ आप लिख सकते हैं या फिर आप कैप्स लॉक को ऑन कर रख सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज के स्टाइल चेंज करने हैं आपको, ये सारे स्टाइल हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप कीबोर्ड से चेंज करें, उससे क्या होगा आप देखते भी रहेंगे और चेंज भी होता रहेगा, जो भी आपको लगे कि उसके जैसा है उसी को आप छोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे ये ले लिया मैंने, देन ओके, ये आ गया मेरा एटीट्यूड, थोड़ा सा इसे ऐसे बड़ा कर लिया मैंने। ठीक है, इसको ब्लैक कलर देना है, यहाँ से ब्लैक कलर दे देंगे। उसके बाद इधर राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स ड्रॉ करना है, ये वाला। ठीक है, ये बॉक्स ड्रॉ करना है, तो इस बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे, यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे। अब दो कलर का बॉक्स है तो उसको कैसे बनाएंगे, ऐसे सेलेक्ट कीजिए, एक बॉक्स बड़ा बनाइए, उसके बाद एक और रेक्टेंगल लीजिए, उसके बाद एक छोटा बॉक्स बनाइए। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। उसके बाद पीछे वाले में कलर करेंगे हम ब्लैक, तो एक हमारा वाइट हो गया, एक ब्लैक हो गया। अब उसके अंदर हम पहले लिखना है तो वो भी वर्ड आर्ट से लिखेंगे हम, इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट आप चूज कर लेंगे, TALLY टैली। अब लैंग्वेज स्टाइल ले लेंगे यहाँ से उसी टाइप का, यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर सेम ही लेना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे ये ले लिया मैंने। ठीक है, देन ओके, ये मेरा आ गया। अब ये कहाँ पे आया है मुझे ये चेक करना है, ये यहाँ पे आया है। इसको उठा के यहाँ पे रखने के लिए क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट स्वैपिंग कर लेंगे। टेक्स्ट स्वैपिंग, यहाँ रेंज में जाके टेक्स्ट स्वैपिंग आता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जैसे ही इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। इसको उठा के हम इसके अंदर रख लेंगे यहाँ पे, इस तरह से। बॉक्स अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, इस तरह से। ठीक है, ये मैंने रख दिया यहाँ पे। उसके बाद मुझे अकेडमी लिखना है, तो अकेडमी लिखेंगे हम, थोड़ा सा इसे इधर की तरफ खिसका रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि मुझे स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद वर्ड आर्ट से जाके दोबारा से मुझे अकेडमी लिखना है, तो अकेडमी टाइम्स न्यू रोमन में लिखा हुआ है ये मेरा, यहाँ से स्टाइल ले लूँगा टाइम्स न्यू रोमन। ये रहा मेरा टाइम्स न्यू रोमन, देन ओके। इसको भी टेक्स्ट स्वैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं, उसके बाद उठा के उसके अंदर रख लेंगे हम इसे। इसके साथ अरेंज कर लेंगे इसे, थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगना चाहिए। आउटलाइन कलर जो है वो भी वाइट रखेंगे, जिससे कि वो थोड़ा बोल्ड दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें लिखना है मल्टीमीडिया,
तो मल्टीमीडिया भी वर्ड आर्ट से लिखेंगे हम। इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट में फर्स्ट वाला ही ले लेंगे। यहाँ पे हमने मल्टीमीडिया लिख लिया, लैंग्वेज स्टाइल चूज कर लेंगे यहाँ से। जो भी उससे जैसा दिखेगा हमें उसी को ले लेंगे। ए में ही मिल जाएगा ये आपको। ये वाला हमने ले लिया, देन ओके। इसको भी टेक्स्ट स्वैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे, उठा के हम नीचे रख लेंगे और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे जहाँ तक भी आपको रखना है, ठीक है। उसी हिसाब से इसे अरेंज कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे खिसका रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया मेरा मल्टीमीडिया। या आप इस पेज का साइज थोड़ा छोटा कर सकते हैं जिससे आपको दिखता रहे कि भाई एक्चुअल में वो कहाँ पे आ रहा है मेरा। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मल्टीमीडिया हो गया मेरा। इसको अरेंज कर लिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए शेडो आ रही है ब्लैक कलर की, वो कहाँ से देंगे? यहाँ से पहले तो अंदर ब्लैक फिल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम आउटलाइन कलर रखेंगे नन, और यहाँ से हम इसे शेडो दे देंगे। शेडो ये वाली शेडो को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो यहाँ से करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेंगे शेडो, उसके बाद शेडो कलर जो है वो हम दे देंगे यहाँ से शेडो कलर रेड, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे करना है तो हम थोड़ा सा और नीचे खिसका देंगे उसे, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया मेरा। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, एनिमेशन हमें लिखना है, एनिमेशन कोर्सेज फोर, ठीक है। एनिमेशन कोर्सेज फोर लिखा, सेलेक्ट किया, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज स्टाइल चेंज करेंगे, लैंग्वेज स्टाइल ले लेंगे ये वाला, कलर लेंगे रेड। उसके बाद थोड़ा सा टैब से आगे जाएंगे, यहाँ पे लेंगे विद, सेलेक्ट करिए, विद की लैंग्वेज रखेंगे नॉर्मल ब्लैक कलर, साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे जितना भी बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद शेप्स बनानी है, ओवल्स वाली, ओवल्स बना लेंगे, एलिप्स ले लेंगे, एलिप्स यहाँ पे एक बनाएंगे। उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे, उसके जैसा एक और एलिप्स आ जाएगा या गोला आ जाएगा ओवल, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे, एक और आ जाएगा, उसको उठा के इधर रखें, ठीक है। इसको ऊपर चाहिए तो ब्रिंग फ्रंट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इन्हें भी। उसके बाद एक इधर बनाना है हमें, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये भी गोले बनाने, तो आप शेप से जाके बना सकते हैं। एक छोटा गोला बना लीजिए ऐसे, ठीक है। आउटलाइन नन, यहाँ से कलर में जाके ग्रेडियंट में टू फिल कर लेंगे यहाँ पे, इस तरह से। ग्रे कलर है तो यहाँ से ग्रे कलर ले लेंगे, ग्रे कलर में टू फिल कर लेंगे, यहाँ से कलर, कलर में ये वाला, ठीक है। कंट्रोल डी करेंगे, एक उठा के यहाँ रख लेंगे, इसको कलर दे देंगे थोड़ा सा रेडिश, यहाँ से इसे ग्रेडियंट दे देंगे, फिर कंट्रोल डी, एक इधर कंट्रोल डी, एक इधर कंट्रोल डी, एक यहाँ पे कंट्रोल डी, यहाँ पे
कंट्रोल डी एक या, ठीक है, इस तरह से आपको एडजस्ट करने ये कंट्रोल डी एक उठा के यहाँ पे। अब जिन जिन को ग्रे करना था उनको उनको सेलेक्ट कीजिए, सबको एक साथ ही दे रहे हैं कलर। यहाँ से ग्रे दिया, उसके बाद आपको ग्रेडिएंट से जाके टू फिल कलर कर देना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। उसके बाद आपको एक शेप बनानी है, शेप में जाने के बाद यहाँ से ले लेंगे ये वाली, ठीक है, इधर एक शेप बना ली सी, उसमें हमें लिखना है, तो यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, 75% OFFO, ऑफ नीचे चाहिए तो एंटर कर लीजिए, सेंटर में चाहिए तो कंट्रोल ई, थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज, साइज बढ़ाएंगे यहाँ से, ठीक है, जितना भी बड़ा करना है, जितना उसके अंदर एडजस्ट हो जाए वो आपको यहाँ पे रखना है, बोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा, कलर रखना है रेड, तो यहाँ से इसमें कलर कर देंगे थोड़ा सा, शेप कलर ले लेंगे, ये हमारा शेप कलर इस तरह का, आउटलाइन नन। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करना है आपको, डबल क्लिक किया हमने, बुलेट्स लेनी है यहाँ से, ये बुलेट्स हैं सारी, ये वाली बुलेट्स अगर आपको दिख नहीं रही आप तो डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाएंगे, आप सिंबल्स पे जाएंगे, सिंबल से यहाँ से बहुत सारे सिंबल्स आते हैं वेडिंग वेपडिंग करके, ये सारे सिंबल्स हैं देख लीजिए, तो इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, ये रही यहाँ पे बुलेट्स, देन ओके, ठीक है, बुलेट्स ले ली, साइज आप इंक्रीज आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना आपको मिला के लिखना है या कितना ज़्यादा लिखना है। 2D एनिमेशन विद फ्लैश, तो 2D फ्लैश लिख दिया, कॉपी किया, एंटर करेंगे, पेस्ट कर देंगे, 2D की जगह 3D कर देंगे, 3D फ्लैश, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखना है वेब एनिमेशन, ठीक है जी, वेब एनिमेशन लिख दिया। उसके बाद हमारा एंटर करना है हमें एक बार और, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद ये जो दो आ रहे हैं इनको भी आप बना सकते हैं, मैं इनको नीचे बना रहा हूँ। यहाँ से हम लेंगे फ्री फ्रॉम टूल, फ्री फ्रॉम ले लिया हमने, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर एक यहाँ पे क्लिक, फिर थोड़ा सा तिरछा क्लिक, फिर यहाँ पे क्लिक, फिर यहाँ, देन यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तैयार हो गया। यहाँ पे कोई पॉइंट ऐड करना है तो यहाँ से एडिट पॉइंट में जा सकते हैं आप, क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड पॉइंट, ठीक है, उसके बाद एक और ऐड पॉइंट करना है तो एक और ऐड पॉइंट, फिर यहाँ से उठा के थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इसे, ठीक है, बिल्कुल लिखसार करना है तो एक और ऐड पॉइंट ले लेंगे कुछ इस तरह से, छोटा दिख रहा है थोड़ा, ये थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, यहाँ से ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक और बना लेंगे फ्री फ्रॉम टूल लेके, शेप में जाएंगे फ्री फ्रॉम, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, एक ऐसे करेंगे यहाँ पे क्लिक, देन यहाँ पे एक क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एक क्लिक करना है, देन इसको सेंड टू बैक कर देंगे यहाँ से, उसके पीछे चला जाएगा, फिर कंट्रोल डी करके एक और ले लेंगे इसके जैसे ही, एक उठा के इधर रख लेंगे, ठीक है, इसे भी सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है। रेक्टेंगल ले लेंगे, रेक्टेंगल बनाने के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल कंट्रोल डी, एक और रेक्टेंगल यहाँ पे ऐड, कंट्रोल डी, एक रेक्टेंगल उठा के यहाँ पे, अब इसमें कलर भरना है आपको तो कलर भर दीजिए, लिखना है कुछ तो वर्ड आर्ट से लिखेंगे, टैक्स में जाना है, वर्ड आर्ट लेना है, सारा कैपिटल में लिखना है, फॉन्ट आप यहाँ से चूज कर लेंगे,
जो भी उससे मिलता जुलता दिखे वही ले लेंगे। चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ टैक्स कर लेते हैं इसे भी, टैक्स शॉपिंग में जाने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कलर ब्लैक भरना है इसके अंदर, यहाँ से ब्लैक कलर भर देंगे। उसके बाद वर्ड आर्ट से दोबारा लिखेंगे, लिखना है ये भी कैपिटल में लिखना है सारा। कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए, उससे लिखना है। कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज ले लेंगे सेंचुरी गोथिक या और कोई भी जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है। देन ओके करना है, इसको टैक्स शॉपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टैग करना है। टैक्स शॉपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट उठा के नीचे रखेंगे, थोड़ा सा स्मॉल कर लेंगे। और कलर करना है रेड, आउटलाइन कलर नन कर देंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है। कलर मैंने आपको बढ़ने बताई दिए हैं, सेम ऐसे ही आपको एडिडास बनाना है। अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट एक तैयार करना है, इन सारे गोलों में कलर करना है तो कलर कर लीजिए, जो भी कलर करना है वो यहाँ चूज करके दे दीजिए, वैसे ही कलर हो जाएगा। सेम वैसे ही रखना है या फिर अलग से रखना है तो आप अलग से भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर लिखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड आर्ट का, वर्ड आर्ट से आप लिख लेंगे, जैसे वाई लिखना था मुझे तो वाई, टेक्सपिंग में जाके आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स करना है, वाई लिख दिया मैंने। कंट्रोल डी कीजिए, यहाँ पर रखिए, डबल क्लिक कीजिए, एडिट में जाइए, ओ लिखना है ओ लिखिए, ओके करिए। उसके बाद कंट्रोल डी एक बार और, यहाँ पे रखिए, एडिट में जाइए, यू, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब जो क्वेश्चंस दिए उनको फॉलो करना है, सेव करना है इसे मुझे, तो यहाँ से जाइए फाइल में जाके सेव करना है आपको, जहाँ पे भी आपको सेव करना है उसका नाम दीजिए, अपने नाम से रख सकते हैं, सेव कर दीजिए, सेव हो जाएगा। तो ये पूरा एक असाइनमेंट आपको वर्ड में तैयार करना है इसके बिहाफ पे, और ये सारे क्वेश्चंस आपको फॉलो करें, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं मैं आपको एक बार क्वेश्चंस रीड करा देता हूँ। ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ये आपको सारे यहाँ पे फॉलो करने हैं, एक बार या तो नोट कर लीजिए इन क्वेश्चन को या फिर आप लिख के रख सकते हैं। पहले सबसे पहले सेव करना है, तो सेव आप यहाँ से जाके सेव पे क्लिक करेंगे और इस नाम से सेव कर देंगे, और डेस्कटॉप की लोकेशन देनी है। तो डेस्कटॉप की लोकेशन कैसे देंगे, सेव पे जाएंगे, जैसे ही आप सेव पे जाने के बाद डेस्कटॉप की लोकेशन कैसे देनी है, यहाँ पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और इसका नाम डाल देंगे फेरी टेल्स। उसके बोल्ड एंड अंडरलाइन करना है हमें एनिमेशन कोर्सेज को, इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद चेंज इन लाइन स्पेसिंग, लाइन का स्पेस बदलना है, तो जी ये सारे हमने जो लिखे हैं इनको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से लाइन का स्पेस आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि रिप्लेस कीजिए विद को विदाउट के साथ, तो आप जाएंगे होम में, रिप्लेस में, ऊपर विद डालेंगे नीचे विदाउट डालेंगे और चेंज ऑल कर देंगे। उसके बाद चेंज इन बुलेट नंबर, नंबर में बदलने हैं, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से नंबर वाली कर सकते हैं आप, इस तरह से नंबर आ जाएंगे। तो ये सारे चेंजेस करके देखने हैं और ये सारे डिजाइन आपको प्रिपेयर करने हैं। तो बने रहिए एटीट्यूड अकेडमी के साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।